में पीने का साला मजा ही कुछ हो रहा है। अरे चलती गाड़ी में तो कुछ भी करने का मजा ही अलग होता है, और अगर साथ में कोई हसीना हो तो साला पीने का मजा ही चार गुना बढ़ जाता है। पुलिस पुलिस किसका नाम ले दिया, साला सारा नशे ही उतार दिया। अबे क्या अब इन पुलिस वालों से भी डरना पड़ेगा क्या? घरवाली की मिस कॉल है क्या? करतार जी, घरवाली की नहीं है, ये उस वाली की है। व्हाट्सएप पर फोटो भेजा है। फोटो? हाँ। ये व्हाट्सएप? हाँ। ये क्या होता है व्हाट्सएप? करतार सिंह जी, व्हाट्सएप एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा कोई भी फिल्म, कोई भी गाना, फिल्म का मतलब समझ रहे हो ना, कैसी भी फिल्म एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आसानी से भेजी जा सके है। जी मेरे मोबाइल में तो ये सुविधा नहीं है। करतार जी, ये सब महंगे मोबाइल में होता है। मैं तो कहता हूँ आप एक मोबाइल ले ही लो, अब तो बुढ़ापा आ गया। इस महंगाई में घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, ये व्हाट्सएप। अरे जब तक अपनी ड्यूटीज नए दरोगा के साथ रहेगी, अपना घंटा भी हाथ नहीं लगना, ना तो खुद खा और ना ही हमने खान दे। इस रोड पे खड़े खड़े थक लिए, कुछ नहीं मिला। और भाई क्या बातें चल रही है? बस कुछ नहीं साहब, मजाक कर रहे। ये सब लोग आपकी ईमानदारी से ही परेशान है। मेरी ईमानदारी से अकेले तुम लोग परेशान नहीं हो, सारे लोग परेशान है। नेता भी परेशान है, मंत्री भी परेशान है, और तो और मेरे घर वाले परेशान हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये ईमानदारी वो ताकत देती है कि नजरों से नजरें मिलाकर बात करने की ताकत, सीना उठाकर बात कर सकते हो, कभी नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? सर हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे सर। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बचना घंटा भी नहीं। ईमानदारी का कीड़ा लगा हुआ है। छोड़। चार पैसे कमाने का टाइम था तो वो भी गया। साले खाए जाओ धूल। जिंदगी ठंड हो चुकी है, ये दे दिया हाथ में डंडा। डंडा हिलाए जा पकड़ के, बाबा जी का ठुल्लू मारो। मुझे तुम लोगों के बकवास में शामिल नहीं होना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया या तो कोई मारा जाएगा या फिर पुलिस। पुलिस किसका नाम ले दिया, साला सारा नशे ही उतार दिया। अबे क्या अब इन पुलिस वालों से भी डरना पड़ेगा क्या? ये तेरा मुंबई नहीं है, ये नया इलाका है, यहाँ हमारी पुलिस वालों से कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए जिस काम के लिए आए हो उसको कर डालो। हाँ भाई ये ठीक कह रहा है, चलो चलो जल्दी निकलो। साहब किसी मंत्री के आने जाने की सूचना है या कोई गुंडा वुंडा आ रहा है? सुबह तक खड़े हैं। हमारे लिए तो मंत्री हो, नेता हो या गुंडा हो, सब मुसीबत लेके ही आते हैं। सबके पीछे दौड़ना पड़ता है, चोर है साले। ये लो ये लेकर जाओ, और कोई भी आदमी और कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। जी साहब। पुलिस क्या? नहीं सीधी ले। चिंता मत करो साहब, ये बजा कर रख दो। अरे ये सामने तो कौन आने लग रहे, मैं रुकाता हूँ। अबे रोको 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 रोको। तू हमें जानता नहीं है, नहीं तो हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत ना करते। पीछे करो। देखता हूँ।
यार देवा, वो कबूतरी तो कहीं नजर नहीं आई। अच्छा आओ इधर देखते हैं। चल 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 चीता की खोपड़ी खोल के रख दूंगा। कबूतरी कहाँ है? कबूतरी वो देख, पकड़ो उसका भी, डालो गाड़ी में। चल 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 तुम लोग, और ये क्या कर रहे हो? अगर ज्यादा चीपटा की तो तरबूज की तरह खोपड़ी खोल के रखूंगा। कह दियो अपने मालिक से, अगर अपने परिवार की सलामती चाहता है तो जगीरा के अड्डे पे आ जाए। समझ गया? हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, प्यार से सहलाता हूँ। अगर कोई हमसे गद्दारी करे उसे मौत की आगोश में सुलाता हूँ। देवा, मेहमान आए हैं, बोर हो रहे होंगे, इनके मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। बॉस, अगर हुक्म हो तो किसी नाचने वाली को उठाकर लाएं। जोरी जामन चलेगी बॉस। नहीं नहीं, आजकल वो नेता बन गई है। आजकल नेतागिरी भी अजीब चीज हो गई है बॉस। जो भी गधे घोड़े हैं सब इसमें चले आते हैं। बकवास बंद करो। हाँ याद आया, देवा सुना है तू बहुत अच्छा नाचता है। मैं बॉस। बहाने नहीं बनाने, डांस शुरू करो, वरना बहाना किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। डांस। जब तक सेवा के पांव चलेंगे आप लोगों की सांसें चलेंगी। अगर तब तक तेरा घर वाला नहीं आया तो इधर इसके पांव रुके, इधर आपकी सांसें रुकी। प्रिया, गायत्री, जगीरा, ये सब क्या है? रणवीर सिंह जी, मैंने शंकर का पता लगाने के लिए आपको 2 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। जगीरा, शंकर तुम्हारा अपना आदमी था, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? शंकर मेरा आदमी है, वो गद्दार नहीं हो सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमने की है गद्दारी? ये तो मैं नहीं जानता, मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई तो गद्दार है। कोई तो गद्दार है, ये तो मैं भी नहीं जानता जगीरा, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ, बहुत जल्द उस गद्दार की लाश आपके कदमों में होगी। लाश नहीं, लाश नहीं, वो मुझे जिंदा चाहिए, उसकी मौत मेरे हाथों होगी। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जगीरा के साथ गद्दारी करने का हशर क्या होता है। ठीक है जगीरा भाई, 10 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, और अगर ये शादी समय पर नहीं हुई तो शहर के अंदर मेरी नाक कट जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये बात है। देवा, छोड़ दो इनको। लेकिन शंकर तो उसी दिन माल लेकर चला गया था। उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। ये भी हो सकता है कि माल लेके शंकर गोल हो गया हो और उसने आपको धोखा दिया हो। हाँ जगीरा, हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे धंधे में ईमानदारी चलती है, फिर हम आपके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, शंकर को तो मैं पाताल से भी ढूंढ लूंगा। अगर तुमने गद्दारी की तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। गद्दारी हमारी फितरत में नहीं है,
ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। समझ गए ना, नहीं तो दूसरे तरीके से समझाओ। चलो लाखा। पानी पियोगे? अरे पी लो, वैसे भी तुम्हारा पानी निकलने वाला है। मिक्का एंट्री मार। तेरी स्टोरी लव इज फॉरएवर नहीं, डेथ इज फॉरएवर कहलाएगी। लव इज ऑलवेज फॉरएवर। फट्टू चला था इश्क लड़ाने। अबे रुक, बात अभी बाकी है। क्यों बे, पता चला किसका पानी निकला? पानी और बचा या निकालू? क्या कर लेगा तू?